कुरुक्षेत्र लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से गांव अटल नगर के सरपंच दीपक मेहरा को अपना प्रत्याशी बनाया है। दीपक मेहरा युवा हैं, समाज सेवा में पिछले लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ दीपक मेहरा की कुरुक्षेत्र लोकसभा के इलाकों में अच्छी खासी जान पहचान है। दीपक मेहरा को बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित करने के बाद दीपक मेहरा श्री गुरु रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से लाद कर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर दीपक मेहरा ने श्री गुरु रविदास मंदिर में माथा टेक गुरुओं का आशीर्वाद लिया और बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने जो विश्वास उनके ऊपर दिखाया है, उनका प्रयास रहेगा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में एक नया इतिहास लिखकर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो सुश्री मायावती के फैसले को सही साबित करें। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वह उन्हें वोट दें। सबसे पहले मैं आदरणीय गांधी जी का धन्यवाद करूंगा, इस एज के अंदर मुझे इतना बड़ा मान सम्मान देकर यहाँ तक पहुंचाया, और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ मैं, जिन्होंने समाज की ओर से मेरे बात गई और नेतृत्व ने मेरी बात समझा और यहाँ तक इतनी बड़ी लोकसभा का पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए एग्री किया। मैं तमाम पार्टी का, तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम मेरे समाज के लोगों का आग्रह धन्यवाद करता हूँ। मुद्दे यही है जो सरकार कहती है, आरक्षण खत्म कर देंगे, चार से पार लेके आएंगे, झूठी लोगों में बातें करके लोगों ने बिखाने का काम किया। मेरी ओर से यही है कि आप समाज में जो विरोधी पार्टियां हैं, उन लोगों ने जो भी हमारे लोगों के साथ भेदभाव किया, आरक्षण विरोधी पार्टी उन्होंने खत्म करने का काम किया, इसलिए हम अब इनको इस लोकसभा के अंदर दूर चढ़ाने का काम करेंगे। जनता से मेरी यही अपील है, कोई इस टाइम पहली बार इस मौका मिला है और मैं सब गरीब आदमी का, एक गरीब का मौका था, इन लोगों ने मौका दिया मेरे को, और मैं भी चाहूंगा कि आप जनता मुझे एक बार मौका देके देखे, आने वाले समय के अंदर हम भी इसका चुनाव चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, पार्टी का श्रेय है जी। देखो आदरणीय बहन जी ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया, मेरे शीर्ष नेताओं का बड़ा मान सम्मान किया जी, आदरणीय राजवीर सोरकी जी का, बहन जी शकुंतला भट्टी आंटी जी का, तमाम सभी अधिकारियों का मैं बड़े धन्यवाद करता हूँ जी।